नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य ज्ञान में जो विज्ञान है उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों पार्ट के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस लिए हैं, पाँच पाँच क्वेश्चन सभी पार्ट से लिए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से। तो ये आपके लेवल से ही है, तो आपके एग्ज़ाम में ये पूछे भी जाते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा लिख भी होगा इसको। तो आप लोग इसका आंसर पहले खुद भी दीजिएगा और फिर आप आंसर देखिएगा, अगर आप आंसर नहीं बता पा रहे हैं तो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप हमसे जुड़ जाते हैं इसी के माध्यम से और आगे की वीडियोज़ भी आपको जल्दी जल्दी मिलने लगेगी। तो बस चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो बताइए दोस्तों, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम से संभव है। तो आप बताइए, तो यह है तीसरे नियम से। क्या होता है तीसरा नियम? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर समान बल लगाती है विपरीत दिशा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जेट इंजन जो हमारा प्लेन होता है वे किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो बताइए दोस्तों, तो वह काम करता है रैखिक संवेग के। ठीक है, यह रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस प्रकार से हो जाता है। जो लोग परीक्षाएं देते हैं उनको यह प्रश्न जरूर कहीं ना कहीं 100% मिलना है, क्योंकि यह प्रश्न एक टाइप से कॉमन हो गया है कि यह प्रश्न आना ही है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है आपका कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो बताइए आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइए दोस्तों। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है प्लवन का नियम से संबंधित है। ठीक है, जो प्लवन का नियम होता है वह कौन सा सिद्धांत कहलाता है, वे आर्किमिडीज का भी सिद्धांत कहलाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। जो सोलर कुकर होता है उसमें कौन सा ऐसा पार्ट होता है सूर्य विकिरण का जो उस कुकर को गर्म कर देता है और उसमें खाना पक जाता है। तो बताइए वह कौन सा भाग है। तो वह भाग है अवरक्त किरण। जो किरणें होती है सूर्य विकिरण में, वे क्या होती हैं, जब सोलर कुकर पे पड़ती हैं तो वे क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर देता है और उसको क्या करता है, गर्म करता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। कौन से मूल कण परमाणु में स्थित होते हैं, ये पता ही होगा आपको। तो बताइए दोस्तों कौन से होते हैं वे। तो वे होते हैं इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन तो आपका पता ही होगा, ये न्यूक्लियस होता है। अगला देखिए, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, बताइए दोस्तों। तो ये की थी रदरफोर्ड ने, है ना। तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। चलिए आगे देखते हैं, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बताइए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है लिटमस पेपर का, है ना। जब लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा, इसका एक ट्रिक भी है अनिल छलनी, कि अम्ल लाल लिटमस पेपर को क्या, नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का या आदर्श गैस सा व्यवहार करती हैं। वास्तविक गैस किस परिस्थितियों में करती हैं, तो बताइए। तो वह परिस्थितियाँ होती हैं निम्न दाब और उच्च ताप। जब दाब कम होता है और ताप क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वे जो गैसें होती हैं वे आदर्श गैस या आइडल गैस कहलाती हैं। ठीक है, अगला है, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है। तो बताइए दोस्तों, एलपीजी में कौन सी गैस होती है, एलपीजी में होती है ब्यूटेन। याद रखिएगा, जो एलपीजी हमारे घर में लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है उसमें कौन सी गैस होती है, वो ब्यूटेन होती है। अगला है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है या किया जाता है।
तो बताइए दोस्तों, पर्यावरण का अध्ययन किस जीव विज्ञान की कौन सी शाखा होती है? वे तो वे होती है पारिस्थितिकीय। जब पारिस्थितिकी हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो बताइए कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो वे पौधा है साइकस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उसमें जो हरा पदार्थ होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल ही तो होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो बताइए कहाँ पाए जाते हैं? तो वे पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में, है ना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला। अगला है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये जो दुर्घटना हुई थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे इसमें, इस दुर्घटना में। तो वहाँ कौन सी गैस हो गई थी? तो वह गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी उसका रिसाव हुआ था, जिसके कारण भोपाल में दुर्घटना हुई थी, है ना। यहाँ पे बहुत लोगों की जाने भी गई थी। तो दोस्तों ये है आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये 15 क्वेश्चंस थे। आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसका उत्तर दिया होगा। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए आप 15 में से कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं या आप उसका उत्तर दे दिए हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।